करनाल के डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में नगर निगम की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेयर व नगर निगम आयुक्त ने मुख्य तौर पर शिरकत की। इस मौके पर नगर निगम की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के तहत सराहनीय योगदान देने वाले होटल, स्कूल, अस्पताल, RWA मार्केट एसोसिएशन, गणमान्य व्यक्तियों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेयर रेणुबाला गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता मुहिम से जुड़े रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिम या आंदोलन जनता की भागीदारी के बिना कभी पूरा नहीं हुआ। इसी को आधार बनाकर नगर निगम ने करनाल की जनता के साथ मिलकर स्वच्छता की उड़ान को नए पंख दिए हैं। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार वितरण समारोह में आए स्कूल, अस्पताल, होटल व RWA जैसे कैटेगरी के विजेताओं को उनके सराहनीय योगदान के लिए शुभकामनाएं देकर उनका मान बढ़ाया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे तथा नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने इस अवसर पर पुरस्कार हासिल करने आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम अगले मास होने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण का एक हिस्सा है। इस बार सर्वेक्षण से पहले तिमाही पर आधारित 3 स्वच्छ सर्वेक्षण लीग के तहत शहर में स्वच्छता की गतिविधियां चलाई गई। प्रथम लीग अप्रैल से जून, द्वितीय जुलाई से सितंबर तथा तृतीय अक्टूबर से दिसंबर के लिए है। इससे पूर्व उप निगम आयुक्त धीरज कुमार ने समारोह में अतिथियों के साथ साथ प्रतिभागियों का स्वागत किया। कनिका पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने प्लास्टिक मुक्त अभियान पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की और फिर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वार्डों के पार्षद मुकेश अरोड़ा, जोगिंदर शर्मा, मोनू तथा पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना मौजूद रहे। और इस सम्मान में एक गौरव हमारे शहर के लिए, जो कि हमारे देश के मानचित्र पर करनाल को आगे बढ़ा रहा है। आज के इस मंच से, क्योंकि आप जागरूक हैं और जागरूकता सभी जगह इस बात की फैला रहे हैं कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है और स्वच्छता कायम रखने से हमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक नारा दिया हमें स्वच्छ भारत का, 2014 में ये नारा दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें पहल करते हुए हरियाणा से इसकी शुरुआत जगह जगह से की और आज हमें खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करनाल इस तरह से प्रगति के पथ पर व्यवस्थाओं के साथ साथ स्वच्छता में भी आगे बढ़ रहा है। ये सब आपके सहयोग का परिणाम है। आप लोगों के बीच में आज कई सारी शिकायतें भी हमें स्वच्छता की मिलती है, विशेष तौर पे हमारे टॉयलेट्स की मिलती है। अब हमने उसके लिए हमारे मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने एक निर्णय लिया पूरी टीम ने मिलकर कि आने वाले समय में हम एक टेंडर करेंगे जिसमें कि हमारे टॉयलेट्स भी साफ रहेंगे और उससे हम शहर को बेहतर सर्विसेज हम दे पाएंगे। स्वच्छता के मामले में मैं आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज के इस सम्मान की। और मुझे लगता है कई प्रतिभागी इसमें आए जिन्होंने उनको भी अवार्ड्स दिए गए हैं। जो हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की मुहिम शुरू की है उसमें हमारा फोकस है कि हम हमारे शहर को पूरे भारत के टॉप 10 शहरों में लेकर के आएं और उस संदर्भ में जो पहला क्वार्टर था अप्रैल से लेकर के जून तक का, वो सेकंड क्वार्टर जुलाई से लेकर के सितंबर तक का, उसके सारे अवार्ड्स दिए हैं। उसमें चाहे होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, इन सबको हमने अवार्ड्स दिए हैं। 5 कैटेगरियाँ इसमें बनाई गई थी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनमें हमने जो हर एक कैटेगरी में 3-3 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मेरी सभी लोगों से, करनाल वासियों से गुजारिश रहेगी कि हम इस मुहिम को बरकरार रखें, चाहे वो स्वच्छता के बारे में हो, चाहे वो प्लास्टिक पॉलीथीन फ्री के बारे में हो, और अपने शहर को और ज़्यादा स्वच्छ बनाएं ताकि पूरे भारत के पटल पर हमारे शहर का नाम। सार्वजनिक शौचालय हैं वो आजकल आधे तो बंद पड़े हैं और आधे गंदे हैं, उसके लिए आपका क्या? इसके बारे में हमारे संज्ञान में ये बात आ गई है और नगर निगम
ने अभी हाल ही में एक टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत जो नगर निगम के जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं और जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, CTPT जिनको कहते हैं, लगभग 150 की संख्या में वो हैं, उन सब की रखरखाव के लिए एक कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा। उस कंपनी का काम होगा कि उस टॉयलेट में जितनी भी साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, चाहे वो नल हैं, शीट्स हैं, बकेट्स हैं, डिब्बे वगैरह हैं, गेट हैं, उनका रंग रोगन कराना, ये सारी चीज़ें वो कंपनी करवा के देगी। और सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक वो टॉयलेट खुला रहेगा, इसकी भी इंश्योर वो कंपनी करके देगी। तो इसके लिए हमने टेंडर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर ली है और 10 दिसंबर तक उस कंपनी का एनरोलमेंट हो जाएगा और वो हमारा काम फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। सर, अभी थोड़े दिन पहले गार्बेज फ्री के लिए शायद पूरे नॉर्थ जोन में फर्स्ट नंबर पे जी। सर, अगर कूड़ा कचरे की बात की जाए तो अगर मुख्यमंत्री का निवास स्थान से 100 मीटर की दूरी पर एक डंपिंग एरिया वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो गंद डंप किया जा रहा है वहाँ पे, लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें दी गई है लेकिन अभी तक जी। ये हमारे मेरे संज्ञान में कल ही ये बात आई थी और इसको हमने इमीडिएटली दिखवा लिया है। शिकायत ये थी कि कुछ प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से वहाँ पे डंप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं उस एरिया की जो भी सफाई कर्मचारी की जो उनकी टीम है उसको, कि वो उस कचरे को डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे किसी भी कीमत पर वहाँ डंप ना करें। सर, कुछ नगर निगम की रेड़ियाँ भी वहाँ पे डंप कर रही हैं जी, वो भी हमने उसको जो कलेक्शन जोन बनाया हुआ था उसको शिफ्ट करके हम उसको अप्रोप्रिएट जगह पे लेके जा रहे हैं। ठीक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।